हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप किस लिए यूज़ किया जाता है? ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर पिक्चर्स पे एडिटिंग की जाती है, सब फोटो वगैरह के ऊपर जो एडिटिंग होती है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो बनती हैं, वॉलपेपर्स जो चेंज होते हैं, पिक्चर्स के बैकग्राउंड जो सेट किए जाते हैं, पिक्चर को फ्रेम के अंदर जो डाला जाता है, अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह हैं फेस पे उनको रिवील किया जाता है, कलर्स वगैरह पिक्चर के चेंज किए जाते हैं या पोजीशन या फिर प्लेसेस वगैरह चेंज की जाती है, तो वो सारा काम किसके अंदर होता है? अडोब फोटोशॉप के अंदर होता है। ठीक है, आप अडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, सब वर्जन में काम सेम ही होता है, कुछ ऑप्शन बस चेंज होते हैं। हम जो फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है अडोब फोटोशॉप पोर्टेबल। ठीक है, आप आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया। आज हम अपने अडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है मैक डिफरेंट पिक्चर अफेक्ट्स एंड यूज़ ऑफ फिल्टर। ठीक है, पिक्चर्स के ऊपर डिफरेंट अफेक्ट्स देंगे, ठीक है, फिल्टर गैलरी के थ्रू, और क्या कहते हैं उनके अलग अलग शेप्स, जिस तरह से पिक्चर्स को अलग अलग तरह से बनाएंगे, अफेक्ट्स भी देंगे फिल्टर गैलरी के थ्रू और पिक्चर के ऊपर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 13, मैक डिफरेंट पिक्चर अफेक्ट्स एंड यूज़ ऑफ फिल्टर। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए पिक्चर के ऊपर काम हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए। तो पिक्चर लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा फाइल मेन्यू का, इस फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे ओपन, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। आप चाहें तो कंट्रोल ओ यानी कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करके भी ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओपन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी पिक्चर आपने सेलेक्ट कर ली, तो फिर ओपन किया तो इस तरह से आपके पास फोटोशॉप के अंदर पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब जब आपके पास फोटोशॉप के अंदर पिक्चर इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास उस पिक्चर की लेयर भी शो हो जाएगी लेयर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, सारा काम जो होता है वो लेयर्स के ऊपर ही हो रहा होता है। ठीक है, अब लेयर का ऑप्शन किस तरह से ओपन करते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। F7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो लेयर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, अदरवाइज विंडो मेन्यू में जाके यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी जो पिक्चर की लेयर है वो क्या है, लॉक्ड है। जब तक ये अनलॉक नहीं होगी तब तक हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, तो इसको अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी लेयर का कोई भी नाम सेट करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पिक्चर के ऊपर फिल्टर गैलरी के अफेक्ट्स देने हैं। तो फिल्टर गैलरी के अफेक्ट्स देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर में जाएंगे। ठीक है, फिल्टर में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है फिल्टर गैलरी। ठीक है, फिल्टर गैलरी में आने के बाद यहाँ पे आपके पास सब फोल्डर के अंदर अफेक्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, आपने किसी भी फोल्डर को ओपन करना है जिस फोल्डर का आप अफेक्ट देना चाह रहे हो। ठीक है, ओपन करने के बाद अब यहाँ से उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट अपनी पिक्चर के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा सामने किस तरह के अफेक्ट है, इसी तरह आगे नेक्स्ट फोल्डर है उनके ऊपर भी आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनको ये वाले फोल्डर्स के अफेक्ट नहीं चाहिए, इनको क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे, इनमें से आपको भी देना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्केचेस भी हैं, स्केचेस में अगर आपको कोई अप्लाई करना है तो आप वो कर सकते हैं। स्टाइलाइज भी है, इसमें से देना आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्सचर भी है, टेक्सचर में से आपने कोई देना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अफेक्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर है उसी अफेक्ट के साथ यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर गैलरी को यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ अफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर स्केचिंग और क्या कहते हैं स्टाइलाइज और क्या कहते हैं टेक्सचर और फ्रेम टाइप अफेक्ट्स, जैसे फ्रेम के होते हैं, पेंटिंग्स के होते हैं, स्केच करने के होते हैं, तो वो आप जो है सारे अफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम तो ये आपका था जिसमें आर्टिस्टिक और चीज़ें वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी फिल्टर गैलरी अफेक्ट का इस्तेमाल हमने आज सीखा है। ठीक है, इसी के अंदर हम एक और यूज़ सीखेंगे, वो है लिक्विफाई। ठीक है, हम क्या सीखेंगे, यूज़ ऑफ लिक्विफाई। लिक्विफाई का जो ऑप्शन है उसको हम पिक्चर के ऊपर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर सीखेंगे, वो भी अफेक्ट्स के अंदर ही आ जाता है।
उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इस पिक्चर को क्लोज कर रही हूँ और इसके इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर ले रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है, जहाँ से आपने पहले पिक्चर ली है वहीं से आप दोबारा पिक्चर ले लेंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ओपन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास वो पिक्चर इस तरह से आ जाएगी, उसी तरह वो लेयर ऑप्शन में शो हो रही होगी और यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर क्या है, लॉक्ड है। अब हम इस पिक्चर के ऊपर लिक्विफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज़ ऑफ लिक्विफाई, ये भी इसी लेक्चर का पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने फिल्टर गैलरी इफेक्ट सीखे हैं, सेकेंड पार्ट में हम यूज़ ऑफ लिक्विफाई सीख रहे हैं। अब आपने इसके लिए क्या करना है, आपकी पिक्चर यहाँ पे क्या है, लॉक्ड है, आपने इसे अनलॉक करना है। इसको अनलॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका कोई भी नाम सेट करके जब आप ओके कर देंगे तो आपकी जो पिक्चर लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर लिक्विफाई का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा फिल्टर मेन्यू में जाएंगे। फिल्टर मेन्यू में जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लिक्विफाई, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एक्स, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप शिफ्ट कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो लिक्विफाई कर के ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास लिक्विफाई वाली जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन इस तरह से होगी, उसकी अलग से विंडो ओपन होगी। अब आप इसके ऊपर अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, लिक्विफाई का हम किस लिए यूज़ करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिस तरह अगर कोई होता है कि बोलता है हमारी आइज छोटी है, इनको थोड़ा सा बड़ा कर दें, या आइज बड़ी उनको छोटा कर दें, फेस थोड़ा सा फेस कट जो है वो मोटा आ रहा है उसको पतला बना दें, थिन बना दें, थिन है तो थिक बना दें, ठीक है। तो इसके लिए मूव कर दें कोई चीज़ इधर से उधर, थोड़ा सा लहरा दें या कुछ इस तरह से, तो वो जो सारे काम होते हैं, फेस कट सेट करना, आईज सेट करना, हेयर सेट करना, ड्रेसेस सेट करना, मतलब वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो लिक्विफाई के थ्रू की जा रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसके अलग से टूल्स ओपन हुए हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ये कहलाता है फॉरवर्ड रैप टूल। फॉरवर्ड रैप टूल क्या करता है, किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ मूव करता है, आप देख रहे होंगे मूव कर नज़र आ रहा है आपको, ये क्या होता है, हम किस लिए थोड़ा बहुत अगर किसी चीज़ को, ड्रेस को या शेप को या फेस को या किसी चीज़ को मूव करना चाहें तो आप इस तरह से फॉरवर्ड रैप टूल लेकर उसके ज़रिए उस चीज़ को मूव करवा सकते हैं, यानी कि फैला सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, सही देखें, ये इस तरह से लेयर्स, आप मैं दुपट्टे के अंदर लेयर्स डाल रही हूँ वो देख सकते हैं, या दुपट्टे को फैला दें बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, ये उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास ये सेकंड वाला, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पकड़ टूल। पकड़ टूल की शॉर्टकट की है एस, कीवर्ड्स एस प्रेस करेंगे तो पकड़ टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये किस काम आता है, ये किसी भी चीज़ को छोटा करने का काम आता है। जैसे कोई बोलता है हमारी आईज बड़ी है, इनको थोड़ा सा छोटा कर दे, तो आप क्लिक करेंगे तो वो आईज क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, आपको नज़र आ रही होगी, सही। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल की शॉर्टकट की बी। ब्लॉट टूल क्या करता है, किसी भी चीज़ को फुलाने के यानी बड़ा करने के काम आता है। कोई कहता है हमारी आईज वगैरह छोटी हैं उन्हें बड़ा कर दें, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, किसी जगह का अफेक्ट बड़ा कर दें। जैसा से देखें लिप्स पतले थे, छोटे से थे, तो हमने क्या किया उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास पुश लेफ्ट टूल, ये किसी भी चीज़ को पुश करने के काम आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर को हम इधर उधर पुश कर सकते हैं, ये देखें, ये फॉरवर्ड रैप टूल की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, पिक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर देता है, इस वजह से हम ये कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, हैंड टूल, ये पिक्चर को किसी भी जगह मूव करने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जूम टूल, अगर आपको पिक्चर को जूम करके काम करना है तो उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड से जूम इन जूम आउट करना है तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से पिक्चर आपकी जूम इन होगी, या कोई भी शेप या पेज जो भी होगा वो जूम इन जूम आउट होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे आपके पास लास्ट में रिकंस्ट्रक्ट टूल है, जिसकी शॉर्टकट की आर, आप कीबोर्ड से आर प्रेस करके भी इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट टूल क्या कहलाता है, क्या काम करता है कि जैसे आपकी पिक्चर पहले थी, ये देखें सेम एज इट इज़, उसको पहले की तरह वापस कर देगा, अगर आपने अपनी पिक्चर को पहले की तरह करना है, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से आप लिक्विफाई का यूज़ करते हो अपनी पिक्चर
अपनी पिक्चर को किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह की फेस कट वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सेटिंग करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का अडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 13 मैक डिफरेंट पिक्चर इफेक्ट एंड यूज ऑफ फिल्टर गैल फिल्टर इफेक्ट्स एंड लिक्विफाई कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।